नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। शुक्रवार की रात चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए आईपीएल 14 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 27 रनों से हराकर चौथी बार आईपीएल टाइटल अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 9 विकेट गंवाकर 165 ही रन बोर्ड पर लगा सकी। चेन्नई के लिए इस मैच के हीरो फाफ डुप्लेसी साबित हुए, जिन्होंने शानदार 86 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर बात करें इस साल आईपीएल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की, तो इस साल पूरे आईपीएल में युवाओं का बोलबाला दिखाई दिया है। चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर हर्षल पटेल, हर युवा खिलाड़ी ने काफ़ी प्रभावित करके दिखाया है, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बार आईपीएल में दिए जाने वाले अवार्ड्स ज़्यादातर युवा खिलाड़ी ही अपने घर लेकर गए। अगर बात करें उन आईपीएल अवार्ड्स की, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स, ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, पर्पल कैप हर्षल पटेल, इमर्जिंग प्लेयर हर्षल पटेल, उभरते हुए खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल, सीजन का सुपर स्ट्राइकर शिमरॉन हेटमायर, सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के केएल राहुल, सीजन का पावर प्लेयर वेंकटेश अय्यर, सीजन का परफेक्ट कैच रवि बिश्नोई। यकीनन ये साल युवाओं के नाम रहा, जिन्होंने अपने दम पर अपनी टीमों को मैच जिताने का काम किया कि ये युवा खिलाड़ी अगले साल यानी कि 2022 के आईपीएल सीजन में भी इसी तरह का प्रदर्शन करके दिखाएं और अपनी फॉर्म को बरकरार रखें। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।